हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग टाइम। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए पेड़ लेकर आई हूँ उसका नाम है पोनीटेल पाम। तो चलिए पेड़ के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पौधा देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो फैली रहती हैं और इसका जो तना होता है वो फूला रहता है बल्ब की तरह, इसीलिए इसको एलिफेंट फूड पाम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए पौधे खरीदने के लिए जा रहे हैं तो इस प्लांट को आप अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। हम अक्सर पौधे खरीदने जब जाते हैं और लेकर आते हैं पौधे, उसके बाद जब हम उसकी देखभाल करते हैं फिर भी वो पौधा अच्छे से नहीं उग पाता है तो हम सोचते हैं कि बागवानी या गार्डनिंग हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम इसे नहीं कर पा रहे हैं। बट ये हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत है फ्रेंड्स। हमें हर पेड़ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जाननी पड़ती हैं जिससे हम उसकी केयर कर सकें। तो आज मैं आपके सामने इससे रिलेटेड सारी चीज़ें लेकर आई हूँ जो आपको बताएगी कि आप पोनीटेल पाम की केयर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं पौधे को कैसे लगाएं। सबसे पहले आपको ये पौधा किसी भी नर्सरी में 50 से 100 रुपए के बीच में ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आप नर्सरी में जाके भी ले सकते हैं। इसे चिकनी मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं तो आप इसे ऐसी मिट्टी में ही लगाएं जिसमें पानी ना रुके। आप बाजार से अच्छा कैक्टस मिक्स भी ला सकते हैं या अगर आप घर पर ही बना रहे हैं तो आप मिट्टी, बालू और बहुत सारी चीज़ों को मिला करके, कोकोपीट और बहुत सी चीज़ों को मिला करके मिट्टी बना सकते हैं। और ऐसा गमला लें जिसमें नीचे से छेद हो। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही है। अब इसके बारे में जानते कि हमें इसके देखभाल कैसे करनी है। इसे धूप पसंद है तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर रोशनी रहती हो। अगर आप इसे घर में लगाएं तो आप इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर खिड़की हो या खिड़की की जगह पर रख सकते हैं। ये सकुलेंट फैमिली से है और पानी इसके बल्ब में स्टोर होता है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रेंड्स कोई भी प्लांट ऐसा है जिसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है तो आप उसमें पानी कम ही डालिए, क्योंकि कम पानी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपने ज़्यादा एक्सेसिव वाटरिंग कर दी तो उससे प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। जब गमले की मिट्टी के ऊपर की सतह आपको थोड़ी सी सूखने लगे, आपको सूखी दिखने लगे, तो उस टाइम पे आप उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। ठंड में आप इसे बाहर कतई न रखें, क्योंकि अगर आपने इसे बाहर रख दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। ठंड में इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है तो कम पानी दीजिए। जब भी आप इसे रिपॉट करें आप इसे बड़े गमले में डालिए ताकि इसकी लंबाई चौड़ाई अच्छे से बढ़े। इससे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसमें गोबर खाद डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसका बॉन्साई भी बना सकते हैं। आपको बस कितना इतना है कि ऊपर का जो इसका टॉप होता है उसे कटिंग कर देनी है, उसके बाद उसमें खुद ही नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बॉन्साई बन जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।